लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। तो तुम्हारे हिसाब से अवनी होटल से निकलने के बाद अपनी माँ से मिलने गई थी, फिर अब वो कहाँ है? मुझे नहीं पता अमित, उसने मुझे बस इतना ही बताया था। हे भगवान, मेरी अवनी कितना दुख देखी है अपनी लाइफ में, और मैं हूँ कि उसे कभी समझ नहीं पाया। चाहे जो भी हो जाए, मैं अवनी को हर हाल में ढूंढ निकालूंगा। उसके दूर चले जाने के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि मैं उसे कितना चाहता हूँ, कितना प्यार करता हूँ उससे। उसके बिना मैं अधूरा हूँ, और मेरी ये मोहब्बत भी अधूरी है। आखिर अवनी कहाँ गई होगी, आपको क्या लगता है जी? कहाँ गई होगी? अमित जो हर महीने घर का खर्चा दे रहा था उसे, उसी से पैसे बचा के अपने किसी आशिक के साथ भाग गई होगी, नहीं? अरे तुम ही तो बोलती हो मुझे ऐसे। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं तो गुस्से में आकर ऐसे बोल देती थी। अरे नहीं नहीं, तुम तो एकदम सही बात बोलती थी। और वो शर्मा जी की बहू कितनी संस्कारी है, जो घर का सारा काम नौकरानी की तरह करती है, फिर भी सास ससुर को पलट के जवाब ही नहीं देती। अब तो तुम्हें भी ये बात पता है कि उसकी आवाज आती रहती है सुबह शाम, सास पे चिल्लाती है कि निकल जाओ इस घर से, किसी वृद्धाश्रम में जाकर रहो, इसीलिए वो बहुत अच्छी है तुम्हारे लिए। नहीं, अवनी तो बुरी थी। अरे कहाँ अच्छी है शर्मा जी की बहू, एक नंबर का काम चोर, सास से सारा काम करवाती रहती है। मैं तो अवनी को रास्ते पे रखने के लिए हमेशा उसकी ऐसे झूठी तारीफ करती रहती थी। मैं चाहे जो भी बोल लूं, पर मेरी बहू अवनी सबसे अच्छी है। इस घर को कैसे मंदिर बना के रखी थी, देखिए उसके चले जाने के बाद सब बिखर गया है। इंसान जब दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत समझ आती है। पिछले 14 सालों से एक भी बार तुम्हारे मुंह से अवनी को अच्छा बोलते हुए कभी नहीं सुना मैंने, और अब देखो 20 दिनों में कम से कम 200 बार बोल चुकी हो ये बात। काश उसके सामने भी कभी कभार बोल दिया करती तो आज ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। हाँ सब मेरी गलती है। वो क्या है ना, सोनाली के बातों में आकर। सोनाली? सोनाली को बीच में क्यों ला रही हो? सोनाली तुमसे पैदा हुई है या तुम सोनाली से? वो तुम्हें सिखा दी और तुम सीख गई? नहीं मंदाकिनी, ऐसे नहीं होता। तुम्हारे मन में खोट है, गुस्सा है, ईर्ष्या है बहू के लिए। कोई बाहर का आकर तुम्हें कैसे सिखा के चला जाएगा, बोलो। हाँ आप एकदम सही बोल रहे हैं, अपने बेटे को किसी और के साथ बांटना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं ऐसे। तो बेटे की शादी ही नहीं करवाती? एक तो बहू नहीं नौकरानी चाहिए तुम्हें घर पे, ऊपर से उसे 1000 बातें सुनाओ। काश मैं तुम्हें ऐसा ही दिन दिखाता कभी जिंदगी में, तो तुम्हें शायद ये सब पहले समझ आ जाती। माफ कर दीजिए ना, आप बार बार मुझे समझाने की कोशिश करते रहे पर मैंने कभी नहीं सुनी आपकी। अरे बेटा तू तो पार्टी में गया था, इतनी जल्दी वापस आ गया? हाँ अब पार्टी में रह के एंजॉय करूंगा, तो घर का ध्यान कौन रखेगा? अवनी तो नहीं है जिसके कंधे पे सारा काम थमा के चैन से पार्टी करता रहूंगा सारी रात। बेटा कुछ पता चला कि अवनी कहाँ है? क्यों, आप क्यों उसके बारे में पूछ रही है माँ? जब यहाँ पे थी वो, आपने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था, और कौन जाने उसे घर से निकाल भी दी होगी। नहीं नहीं बेटा ऐसे मत बोलो, माना कि मैं उसकी अहमियत कभी समझ नहीं पाई, हमेशा उसे बुरा भला सुनाती रहती थी, पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उसे घर से नहीं निकाला। बस करो माँ बस करो, उसके खिलाफ आप मुझे शादी के दिन से भड़काती आ रही हैं, पर उसने आज तक आपके बारे में एक भी उल्टा शब्द नहीं बोला मुझे, आप ही अवनी भाग जाने के पीछे हैं। अमित मेरे सामने तुम माँ के साथ ऐसे बात करोगे? अवनी तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ कभी प्यार से 2 शब्द बात किए हो? कहीं घुमाने लेकर गए हो? उसे शॉपिंग पे लिए हो? अरे वो सब छोड़ो,
घर के इतने सारे काम में कभी हाथ बटाए हो उसका? बेचारी उस रात वो लीला के घर में पार्टी में जाने को तैयार बैठी थी, तुमने क्या किया? उसे पार्टी में लिए बिना उसे ये बोला कि वो पार्टी में किससे क्या बात करेगी जाकर। अरे माना कि वो जॉब नहीं करती तो क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स में टॉप किया है उसने, कुछ तो क्वालिटी होगी। और आज माँ का दोष दे रहे हो, वो भी मेरे सामने। पापा आप तो सब जानते हैं, खबरदार मेरे सामने दोबारा कभी भी मेरी पत्नी को कुछ भी बोलते हुए मैंने सुना तो तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। सॉरी माँ, पापा सही बोल रहे हैं, आज जैसे मैं आपको थोड़ा सा कुछ बोलते ही पापा आपके लिए स्टैंड लिए, मैंने तो अवनी के साथ एक बार भी खड़ा नहीं हुआ, उसे कैसा लगता होगा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, आपके हजार समझाने के बाद भी मैं कभी कुछ समझ नहीं पाया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कल सुबह होते ही मैं उसे ढूंढने जाऊंगा और वो जहां कहीं भी होगी हर हाल में उसे वापस लेकर आऊंगा। हाँ बेटा, मैं अवनी से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी, तू उसे बस उसके घर पे वापस ले आ, उसके बिना हम सब अधूरे हैं। आंटी आप मेरा कितना ख्याल रखती हैं, पता है आंटी, बचपन से आज तक कभी भी मुझे माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 4 साल की थी जब मेरी सौतेली माँ घर आई, सगी माँ का कुछ भी याद नहीं था मुझे। सौतेली माँ की अत्याचार सहकर ही सगी माँ का प्यार पाने के लिए तरसने लगी थी मैं। रोहित के चले जाने के बाद शादी पक्की हुई अमित के साथ, उनकी माँ मुझे एक नजर में ही पसंद कर लिए थे। तब मुझे लगा कि ये मेरी सास नहीं मेरी माँ मिल गई मुझे, पर बाद में पता चला कि शादी पक्की करने के लिए ऐसे सब बोला जाता है कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है, मैं इसकी सास नहीं माँ हूँ, मेरे घर की ये नौकरानी नहीं लक्ष्मी है। अवनी बेटा मैं सब समझ रही हूँ, जब से तुम यहाँ पे आई हो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार पूरा हो गया है, मन बिल्कुल नहीं करता कि तुम कभी भी यहाँ से जाओ, पर बेटी सच्चाई यही है कि तुम्हारा अपना एक परिवार है, सास ससुर पति बेटा बेटी सब हैं। कितने दिन गुस्सा करके रहोगी? आंटी मैं समझ रही हूँ आप क्या कहना चाहती हैं, पर मैं कैसे चली जाऊँ उस घर में जहाँ पे मेरी जरूरत ही ना हो किसी को, अगर मैं आप पे बोझ बन रही हूँ तो। अवनी आइंदा ऐसे हरगिज मत बोलना, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, जब तक तुम्हारा पति खुद तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पे ना पहुँचे तब तक ना तुम अपना मोबाइल स्विच ऑन करोगी और ना ही यहाँ से बाहर निकलोगी। पर रोहित के पापा अवनी के बच्चे हैं घर पे। दुनिया बदल गया है रोहित की माँ, तुम भी पुराने ख्यालात बदल दो, अवनी के बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनके परिवार में अवनी की अहमियत सबको समझनी होगी, बस इसके आगे और कोई बात नहीं होगी। बहू इतनी सुबह सुबह कहाँ निकल पड़ी? माँ जी मैंने तो आपको पहले भी बोला था और कल रात को भी बोला था कि आज मुझे मेरे माँ पापा से मिलने जाना है, उनके मेडिसिन खत्म हो रहे होंगे और फिर उन्हें और कुछ चाहिए होगा तो वो भी खरीद के दे आऊंगी। अच्छा मैंने भी तुझे पहले बोला था और कल रात को भी बोला था कि तू मायका नहीं जा सकती, तुझे समझ नहीं आ रहा? और मेरे बेटे की कमाई तेरे माँ बाप के मेडिसिन खरीदने में उड़ाएगी। देखिए माँ जी मुझे हर हाल में जाना है, वो अकेले हैं, मैं उनका ख्याल नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और माँ जी आपके बेटे के पैसे नहीं, मैं अपने कमाई के पैसों से मेडिसिन देकर आऊंगी। खबरदार अगर पैर चौखट से बाहर निकाली तो आइंदा इस घर में घुसने नहीं दूंगी तुझे। अमित तुम? प्रणाम माँ। यहाँ पे क्यों आए हो? तुम पति पत्नी को कभी कुछ समझ नहीं आता क्या? कितनी बार बोल चुकी हूँ कि अपनी शक्ल दिखाने मत आ जाया करो यहाँ पे। देखिए मैं बस ये पूछने आया था कि क्या अवनी यहाँ पे आई थी? मर गई अवनी, वो क्यों आएगी यहाँ पे और कौन है वो, मैं नहीं जानती उसे। माँ प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सच सच बताइए कि अवनी 20 दिन पहले आई थी यहाँ पे? बोला ना मुझे नहीं पता, जाओ यहाँ से।
इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।